नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सनराइज IIT एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार जो गूगल फॉर्म का जो आंसर है वो एक्सेप्ट जब करेगा जब उसका कुछ ना कुछ टेक्स्ट मैच करेगा। यानी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये हमारा गूगल फॉर्म है। यहाँ पर मैं जैसे नाम टाइप किया तो ये गूगल फॉर्म बोल रहा है कि एंटर करेक्ट टीचर नेम, यानी आप टीचर का नाम करेक्ट एंटर करो, उसके बाद ही एक्सेप्ट करेगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टीचर नेम मस्ट बी, स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए, ये वह नाम होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्टेड करेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर मैंने MR टाइप किया तो ये एक्सेप्टेड कर चुका है इसको। इसी प्रकार मैं दूसरा रिस्पॉन्स एंटर करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर XYZ में टाइप किया तो यहाँ पर बोला एंटर करेक्ट टीचर नेम। अब इसके आगे जैसे मैं यहाँ पर ये शब्द टाइप कर दिया, ये वर्ड जो यहाँ पर एंटर लिखे हुए हैं, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे मैं सबमिट किया तो ये एक्सेप्ट कर लिया। तो इस प्रकार का एक गूगल फॉर्म किस प्रकार बन जाता है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो शुरू करते हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले ये वेबसाइट ओपन करें, इसका URL आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद इसको केयरफुल रीड कर लें। रीड करने के बाद ये वाला पेज ओपन करें, ये यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसका URL आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद इसको केयरफुल रीड कर लें। रीड करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है, इसको केयरफुली फिल करें और यहाँ पर आ रहा है सर्विस सिलेक्ट। यहाँ पर हमें 123 नंबर की सर्विस हमें सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी है उस पर आईडी और पासवर्ड सेंड किए जाएंगे। उस आईडी और पासवर्ड को आपको यहाँ पर एंटर करना है, लॉगिन यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे जो सर्विस आपके आईडी पर मैप होगी वो यहाँ पर आपके इनबॉक्स में शो हो जाएगी। जैसे ये आईडी पर मैप हो रही है 123 नाम से। इसके बाद आप यहाँ से इसको मैक की कॉपी पर क्लिक करें जिससे कि ये फाइल आपकी ड्राइव में सेव हो जाए। ये गूगल शीट आपकी ड्राइव में सेव हो चुकी है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे गूगल फॉर्म नेम बनाना है, तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पुराने वाले फॉर्म को। अब मुझे नया फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर टूल पर क्रिएट करना है, देन क्रिएट न्यू फॉर्म पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर जैसे मैं रोल नंबर टाइप किया मैंने, इसके बाद एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, देन ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है आपको, जिससे कि जो स्क्रिप्ट है वो आपको शो हो जाएगी इसमें। स्क्रिप्ट का पेज ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर जो हमारा गूगल फॉर्म है उसका जो URL है वो यहाँ से कॉपी करना है और इस स्क्रिप्ट में यहाँ पर पेस्ट करना है। इसी प्रकार गूगल शीट का जो URL है उसे हमें यहाँ से कॉपी करना है और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। इसके बाद सेव पर क्लिक करें। अब जैसे मैं टीचर नेम यहाँ पर टाइप किया था तो वो अब आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है रोल नंबर, तो हमें रोल नंबर यहाँ पर टाइप करना है और जो एरर हमें एंटर करनी वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। एंटर करेक्ट रोल नंबर, ये मैंने टाइप कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे रन पर क्लिक करना है आपको, देन रिव्यू परमिशन पर क्लिक करें, देन यहाँ से आपकी ईमेल आईडी सेलेक्ट करें। इसके बाद एडवांस पर क्लिक करें, देन गो टू टेक इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशन है उस पर अलाउ पर क्लिक करना है आपको।
ये एग्जीक्यूशन स्टार्टेड हो चुका है और ये कंप्लीट भी हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब जिसे मैं टेक यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ, टेक वाला जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जिससे मुझे रोल नंबर 101001000, ये जैसे रोल नंबर मुझे चाहिए, ये एंटर होने चाहिए तभी एक्सेप्ट करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर, अब इसके बाद हमें यहाँ पर ट्रिगर सेट करना है, ट्रिगर पर क्लिक करें और जब भी हम इसको एडिट करें तो ये अपडेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर एडिट देन सेव, यानी जब भी हम गूगल शीट में एडिट करेंगे तो ये डाटा ऑटोमेटिकली चेंज होकर गूगल फॉर्म आ जाना चाहिए। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये डाटा आज है और ये डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर, देन दोबारा रन पर क्लिक किया मैंने, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आ चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, ये गूगल फॉर्म आपका बन चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पर रोल नंबर एंटर करूँगा तो ये बोलेगा करेक्ट, एंटर करेक्ट रोल नंबर, यानी करेक्ट रोल नंबर एंटर करना आपको, उसके बाद ही एक्सेप्ट करेगा। तो 10 अभी ये मैंने टाइप कर दिया, इसके बाद आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब ये एक्सेप्टेड कर लेगा जिसे मैं सबमिट किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर गूगल फॉर्म में ये डाटा एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पर आ चुका है। 10 पहले ही होना चाहिए। अब इसी प्रकार में 1011, अब जैसे मैं ये टाइप करूँगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा क्योंकि 10 इसमें आ चुका है ऑलरेडी, ये 10 यहाँ पर टैग में आ चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर, देन यहाँ पर सबमिट किया तो ये सबमिट हो चुका है। तो इस प्रकार आप टेक्स्ट मैच होने के बाद गूगल फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।